मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको HDPE पाइपलाइन के हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। HDPE पाइप का हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट करते समय हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है और ये इसका पाइपलाइन ऐसे गया हुआ है। ये पाइपलाइन ऐसे यहाँ से जा करके, और ये एक ये जो है विलेज के जो घर बने हुए हैं ऐसे इधर गया हुआ है। ये करीब 1500 मीटर ऊपर गया हुआ है और इसका एक ब्रांच जो है इधर भी गया हुआ है। ये ब्रांच ज़्यादा दूर नहीं गया, 180 मीटर के आसपास गया हुआ है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले तो हमें इसमें कितना प्रेशर देना है। जो डिजाइन प्रेशर होता है, डिजाइन प्रेशर का हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग पाइपलाइन के लिए एक डिजाइन प्रेशर दिया रहता है, उस डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स हम प्रेशर देते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर दिया गया है और इसमें इसको प्रेशर को होल्ड कर दिया गया है। ये जो डायल गेज है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस डायल गेज का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट NABL है या ऑर्डिनरी है, जनरली NABL सर्टिफिकेट बेहतर होता है। इस सर्टिफिकेट में डायल गेज का एक नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट के अंदर, सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ नंबर और डायल गेज में अंकित नंबर, ये दोनों को मैच कर लेना चाहिए, जिससे कि जैसे कि इसमें एक नंबर दिया गया, आप देखिए डायल गेज के पीछे एक नंबर दिया गया है, यही नंबर सर्टिफिकेट में होना चाहिए, तब ये मानते हैं कि जो सर्टिफिकेट है इसी डायल गेज का है। इतना देखने के बाद हम पाइपलाइन में वाटर फिल करते समय ये ध्यान देते हैं कि पाइपलाइन के दो एंड होंगे, एक तो लोअर एक हायर एंड जनरली रहते हैं। अगर दोनों एंड जो है समतल में हैं तो बात दूसरी है, अगर लोअर और हायर एंड हैं तो हमें जो वाटर फिल करना चाहिए लोअर एंड से करना चाहिए। लोअर एंड से क्यों करना चाहिए, कि लोअर एंड से जब वाटर फिल करेंगे तो एयर ऊपर की तरफ जाएगी और हायर एंड से धीरे धीरे एयर बाहर हो जाएगी। और दूसरे एंड में भी हम डायल गेज लगाते हैं, अगर लोअर एंड में हमने जो है 6 kg का प्रेशर दिया हुआ है तो हायर एंड में हमेशा प्रेशर थोड़ा कम रहता है, जिससे वहाँ पर 5.5 kg, 5.7 kg या 5.8 kg प्रेशर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि HDPE पाइप को हमें पूरी तरह से कवर रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, करीब 25 मीटर जो है ये पाइप ओपन रखा हुआ है, ट्रेंच से ऊपर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें पाइप को ट्रेंच के अंदर कवर रखना चाहिए। इसके आगे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पाइप को जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। अगर हम दोपहर के समय हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें सावधानी रखना चाहिए, यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा है तो पाइप ट्रेंच के बाहर न निकला रहे। अगर पाइप ट्रेंच के बाहर निकला रहेगा तो हीट की वजह से पाइप की क्षमता कम हो सकती है और पाइप फट सकता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको HDPE पाइप के हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, यदि आप हायर एंड से वाटर फिल करेंगे और हायर एंड में जो है प्रेशर आप देंगे जितना आपको प्रेशर देना है, तो लोअर एंड में क्या होगा कि वो प्रेशर आपको ज़्यादा हो जाएगा। लोअर एंड में हायर एंड से प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जब आप हायर एंड को मान करके जितना आपको प्रेशर देना है देंगे, तो लोअर एंड में प्रेशर ज़्यादा होने से लोअर एंड के में पाइप फट भी सकता है। इसलिए आप हमेशा लोअर एंड से वाटर फिल कीजिए, लोअर एंड से ही
उसको होल्ड कीजिए, प्रेशर को जितना प्रेशर आपको चाहिए उतने में होल्ड कर दीजिए। इसके बाद जब आप प्रेशर होल्ड कर देंगे, उसको एक घंटे, दो घंटे या तीन घंटे या इससे भी ज़्यादा समय के लिए अगर आपको डाउट है तो आप इससे ज़्यादा समय के लिए भी ये जो है डायल गेज में देखते हैं कि प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। अगर एक घंटे या तीन घंटे या दो घंटे में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है कि पाइप में से कहीं से भी पाइप जो है, पाइप में पानी लीकेज हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट आपका सफल नहीं होगा। तीन घंटे के अंदर या दो घंटे के अंदर डायल गेज से प्रेशर जो है लीक नहीं होना चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि इसमें अब ये हाफ एन आवर पहले इसमें होल्ड किया गया है, प्रेशर 6 kg/cm² प्रेशर होल्ड किया गया है और इसको हम 3 आवर्स ड्यूरेशन तक देखेंगे। अगर इसमें कहीं से भी जो है प्रेशर लीकेज नहीं होगा तो ये डायल गेज से प्रेशर डाउन नहीं होगा। इसके बाद अगर ये प्रेशर डाउन नहीं हुआ तो हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट जो है पास माना जाएगा और लास्ट में इसको ओपन करके हम इसका जो वाटर जो है बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड से बाहर निकलता है, उसका भी हम वीडियो या फोटोज अपने पास रख लेते हैं। तो मित्रों, अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।